हे गाइस, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकिश पिंकी, जहां हम डिस्कस करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमीज एंड बेबीज जैसे टॉपिक। तो आज का जो वीडियो है वो है अबाउट दिस लुक, जिसमें मैंने क्रिएट किया है विंक्ड आईलाइनर विद टिंटेड लिप्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कोई आई शेडो नहीं यूज़ किया है, फिर भी सिर्फ विंग्ड आईलाइनर और थोड़े से लिप्स पे हल्की सी एक न्यूड लिपस्टिक लगाई है, जिसकी वजह से लुक काफ़ी कंप्लीट लग रहा है। तो बिना किसी विलंब के चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है और कितनी मशक्क़त हुई थी मुझे इस आईलाइनर को अचीव करने में। तो सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज और प्राइम करूँगी, देन मैं सबसे पहले आईलाइनर ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पहले बेस लगाती हूँ और मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मेरा पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने टाइट लाइन से एक छोटी सी लाइन खींची है आउटर कॉर्नर पे, देन उस लाइन को मिला लिया है। उसके बाद इनर कॉर्नर से अपनी आइज़ के मैंने पूरा जो आईलाइनर है उसे पतला सा आईलाइनर लगा के लास्ट वाली लाइन से मिला दिया है। देन जो मैंने आउटर कॉर्नर पर ट्राइंगल बनाया था उसे मैं फिल करूंगी आईलाइनर से प्रॉपरली। सेम ट्रिक मैं अपने सेकेंड आई पे भी ट्राई करूंगी। ट्राई क्या करूंगी, मतलब यूज करूंगी। अच्छा, क्योंकि मेरी आईज होडेड आईज हैं तो मैं थोड़ा सा पतला आईलाइनर लगाऊंगी अपनी आईलिड्स पे। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं, आलमंड आईज हैं, तो आप थोड़ा सा मोटा भी लगा सकते हो, आपकी आंखों पे अच्छा लगेगा। बट क्योंकि मेरी होडेड आईज हैं, अगर मैं मोटा लगाती हूँ तो मेरी जो आंखें हैं वो और ज़्यादा छोटी छोटी सी दिखने लगेंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पतला आईलाइनर लगाऊंगी लिड्स पे। बाहर जाके मैं जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे विंग्ड को अच्छे से विंग बना के और उसे जॉइंट कर दूंगी, जिससे ये आईज थोड़ी सी ओपन लगेंगी। इट नीड्स लॉट्स और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेकअप में। देन मैं लूँगी ये LE18 का आई ड्रामा काजल, इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर लगाऊँगी। देन मैं ये आई शेडो ब्रश से इसे अच्छे से स्मच करूँगी। बाहर की तरफ स्मच करना है इसे, ताकि जो हमारा विंग है वो और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग सके। देन मैं बेस लगाऊँगी। बेस में मैं सबसे पहले कंसीलर यूज़ करूँगी, जो कि मेबलिन के फिट मी का है शेड मीडियम। कंसीलर बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि मैंने जो आईलाइनर पहले लगाया था तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत से आईलाइनर लगाया है वो कहीं मिट ना जाए। तो बहुत ध्यान से कंसीलर लगाना है आंखों में। देन मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जो कि मेबलिन की फिट मी का ही है शेड वॉर्म न्यूड। उसके बाद मैं शुगर का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वुडी ब्राउन शेड है इसका, ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा चीज़र्ड लग सके। इसे मैं अपनी डबल चिन पे, और उसके बाद मैं ये मेबलिन का ही ब्लश पैलेट ले रही हूँ, जिससे मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश आप देख रहे होगे कि मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लगा रही हूँ, इससे जो फेस होता है थोड़ा सा अपलिफ्ट लगता है। थोड़ा सा नोज पे, एंड देन मैं सेम पैलेट से ही उसका जो हाइलाइटर है वो यूज़ कर रही हूँ, पहले अपने चीक्स पे, थोड़ा सा नोज ब्रिज, थोड़ा सा चिन पे, एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका की लिपस्टिक इन द शेड गुल। यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए। एक से दो कोट लगाऊंगी ताकि मेरी आईज जो है वो और ज़्यादा ओपन दिख सके। फॉल्स आई लैशेज की मैं उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, तो मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल जो लुक है वो इस तरह का दिख रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @pinkishpinky। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योरसेल्फ। बाय बाय।